रोज़ में डिनर में रोटी खा के बोर हो रही थी सोचो क्या बनाओ दाल चावल का एक चिल्ला बनाती हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनता है और अच्छा भी लगता है गाइस तो मैंने यहाँ चावल और दाल यानी चावल डेढ़ कप और दाल एक कप एक कप से थोड़ा कम मैंने रात भर उसको भिगो दिया था और उसके बाद मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पर लहसुन लिया है अदरक लिया है दो हरी मिर्च ली है मिर्च बहुत दिखी है इसलिए मैंने दो ही यूज़ किया है उसके बाद फ्लेवर के लिए इसमें आप डाल दो हींग और हींग बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है लहसुन अगर आप चाहते हो तो खाओ नहीं चाहते हो तो स्किप कर सकते हो उसके बाद दाल चावल को इसमें देकर हम पीस लेंगे गाय से इतना टेस्टी बनता है ना ये चिल्ला मैं जब बनाती हूँ ना तो और जानते हो इतफ़ाक़ से जब भी जो अच्छा होता है ना वो तो मैं डर से थोड़ा कम बनाती हूँ पता नहीं क्यों इन लोगों को पसंद आएगा प्रथम और मेरे हस्बैंड को पसंद आएगा कि नहीं लेकिन जब इन लोग खाया ना और लोग खाने के बाद बोला कि ओह इतना कम तुम बनाती हो तुम्हारा आदत है जब भी तुम अच्छा बनाओगी ना कम बनाओगी अब किसे पता है यार कि कौन कितना खाता है और कभी जना ज़्यादा बना लेती हूँ तो बस रह जाता है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि चिल्ला मैं सुबह उठ कर ब्रेकफास्ट खाऊँ तो चलो ठीक है. तो पहला चिल्ला हमेशा मेरा ख़राब होता है जब भी मैं चिल्ला बनाती हूँ ना पहला मेरे फ्राई पैन में ज़रूर वो बिखर जाता है खराब हो जाता है टूट जाता है कुछ भी हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट चिल्ला बनाती हूँ तो परफेक्ट बनता है तो ये चावल का है और चावल और दाल का चिल्ला बाइंडिंग बहुत अच्छा होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है टूट जाता है जस्ट धोसे जैसा लगता है और जब ये गर्म गर्म खाओगे ना बहुत ही क्रिस्पी लगेगा आपको बहुत टेस्टी लगेगा तो मैं तो इसमें हरी चटनी और सॉस के साथ ले रही हूँ क्योंकि आप इसमें कोई भी चटनी के साथ खाओगे तो अच्छा लगेगा धोसे वाली चटनी को मेरा टूट गया ओफ यही तो होती है ना पहला चिल्ला हमेशा मेरा टूट जाता है और यही अफसोस है माइंड कोई बात नहीं तो नेक्स्ट वाला बना रही हूँ उसके बाद मैं धीरे धीरे सारा बनाया तो सारा मैं थोड़ी वीडियो में दिखाऊंगी आप भी बोर हो जाओगे क्या एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद इस चिल्ला बना दिखा रही है देखो कितना अच्छा से ना सेकंड टाइम ये सेकंड चिल्ला है और कितना अच्छा से गोल जस्ट लाइक ढोसा नहीं डोसा नहीं है जस्ट क्रिस्पी तो है लेकिन थोड़ा सा थिक है ये लेकिन टेस्ट बहुत है गजब का टेस्ट है आप रोटी की जगह ये बना करता ये हेल्दी भी है और आपको टेस्टी भी लगेगा और तेल थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला गया इस ज़्यादा नहीं और उसके बाद तैयार हो गया सारा एक एक करके मैंने चिल्ला बना लिया तो हो जाते हैं विंटर में टाइम जल्दी तो फटाफट हम लोगों ने गरम गरम चिल्ला ही खाया ठंड रख आप बहुत के रख, कर कर रख दोगे ना रोटी जैसा तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आने वाली है तो मैंने यहाँ सबको यहाँ बैठ गया सबको मैंने परोस दिया है सबको मैंने सर्व कर दिया अब मैं खुद ले रही हूँ हरी चट्टी के साथ चट्टी थोड़ी पत्ली हो गई थी गाइस फ्लेवर माइंड चलो मा, मतलब इसको माइंड नहीं करना उसके बाद मैं हॉट एंड स्वीट मैगी सॉस ले रही हूँ मुझे वो सॉस बहुत पसंद है तो उसके साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ आपका क्या डिनर है आज चलो ठीक है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड नाइट